ये जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी बनाना है, आप बना सकते हैं। समझ गए, इतना जो सीखे हैं तो ये जो लोग देख रहे हैं लोग एक्स का, इसको काहे नहीं बना सकते हैं। तो कोशिश करते हैं आप, लेकिन करिएगा कोशिश। देखिए लिखते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए इसको डिफरेंशिएशन करना है, दोनों साइड लिखे हैं डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे करिएगा? तो डी वाई बाई डी एक्स होगा वाई के, वाई को कर रहे एक्स के सापेक्ष, क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स लोग एक्स हो जाएगा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स लोग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह वन बाय एक्स होता है, क्या होता है वन बाय एक्स होता है। अब फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करिएगा, देखिए इसी को थोड़ा सा दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, एक्स को पावर माइनस वन लिख, समझ गए, लिख सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए 2 पावर -3 रहेगा तो इसको 1/2 पावर 3 लिखते हैं, उसी प्रकार से 1/x रहेगा ये ऊपर में जाएगा तो x^-1 आप लिख सकते हैं। अब देखिए फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट एक्स के सापेक्ष हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है, डी बाय डी एक्स किसका करना है, डी वाई बाय डी एक्स का करना है, बराबर डी बाय डी एक्स एक्स पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन करें। इसका जो होगा डी वाई बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस वन जो है एक्स को पावर एन के रूप में आया है, ये इसको जो देख रहे हैं ये टर्म एक्स को पावर माइनस वन, इसका होता है n इंटू एक्स को पावर एन माइनस वन, यानी n n के जगह पर माइनस वन है तो माइनस वन देंगे इंटू एक्स को पावर n, अब माइनस वन होता है फॉर्मूला से ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बराबर माइनस एक्स को पावर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 होगा, माइनस वन 2 हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन, ये जो नीचे आएगा एक्स को पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। यानी आंसर क्या आया है आपका माइनस वन बाय एक्स का स्क्वायर आया है। समझ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।